इस मंच पे पधारे हुए इस चुनाव के प्रचार में आए हुए छत्तीसगढ़ के इंचार्ज और सीनियर लीडर कुमारी शैलजा जी और आपके चाहते नेता और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने 5 साल सरकार चलाकर गरीबों की मदद की और कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किया, इसलिए इस नए साल या नया जो आपका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर ये जो सालगिरह आप मनाते उनको और आपको सभी को मैं बधाई देता हूं। भूपेंद्र जी तो बहुत यशस्वी अपना काम किया और आप लोगों के जो डिमांड उन्होंने 5 साल पहले जो दिए थे, जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम उन्होंने किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी नाम बहुत ऊंचा होगा और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अब मजबूत बनी है। इसीलिए मैं सभी यहाँ बैठे हुए भाइयों को, बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ और बगैर की भी आप मजबूत के साथ जो 5 साल सपोर्ट करते हुए आए, इसलिए और एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग में आए हुए नासिर हुसैन जी, सप्तगिरी उल्का जी, श्रीवेलु प्रसाद जी, श्रीमती महेश्वरी बघेल जी जिला अध्यक्ष, मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और सुकमा विधानसभा और छत्तीसगढ़ के सारे मेरे भाइयों और बहनों और इस मंच पर बैठे हुए सारे मेरे साथी, मैं इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई
दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे, ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले, अब उठे। मैं देखा आज जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रीडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उनकी फोटो भी छप रही। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपको आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई। और आप कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं कर। इसीलिए आपको बहुत सोचना है। अब यूं भी वोट हम नहीं मांग रहे, देश के लिए तो कुछ ना कुछ हमने किया, उस वक्त भी मांगे, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थी, इंदिरा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने देश को अपना योगदान दिया, अपनी जान दी। कोई बीजेपी में देश के लिए